कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है इन्फिनिक्स हॉट 12। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ए फोन है या आप ए फोन बाय करने के लिए जा रहे हो, वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट हिडन फीचर्स आप लोगों को जानने को मिलेगा। होम स्क्रीन में राइट साइड से स्वाइप कीजिए, यहाँ पे स्मार्ट स्लाइड बार खुल के आता है। इस साइड में बहुत सारे शॉर्टकट है और इस साइड में बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। पेंसिल आइकन के ऊपर टैप करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट ऐड भी कर पाओगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे लॉक स्क्रीन नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे पावर बूस्ट चाहिए, तो मैं पावर बूस्ट ऐड कर देता हूँ। बी लाइन के ऊपर आओगे, बहुत सारे एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत सारे एप्लीकेशन को यहाँ से ही आप लोग ऐड कर सकते हो। जैसे कि मुझे यहाँ पे कैमरा चाहिए तो कैमरा ऐड हो गया है, और एक एप्लीकेशन चुन लेता हूं जैसे कि कंपास चाहिए तो यहां पे देख लीजिए ऐड हो गया है। अगर होम में जाके फिर से मैं स्मार्ट स्लाइड बार को ओपन करूं तो यहां पे देख लीजिए कैमरा कंपास वगैरह आ चुका है। अगर आप YouTube में गाना वगैरह सुन रहे हो, पावर बटन टैप करने के बाद YouTube का जो गाना है वो भी बंद हो जाता है, लेकिन इस फोन में ऐसा कुछ भी नहीं है। YouTube का गाना प्ले हो रहा है। इस साइड से स्वाइप करके होल्ड करके रखिए, यहां से एक साइड बार न्यू खुल के आएगा, प्ले इन द बैकग्राउंड, इसके ऊपर टैप कर दीजिए। स्क्रीन का जो लाइट है वो बंद हो जाएगा, लेकिन YouTube का जो गाना है या जो म्यूजिक आप सुन रहे थे वो प्ले होता रहेगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को हाइड भी कर पाओगे। होम स्क्रीन में दो फिंगर से पिंच कर दीजिए, यहाँ पे आप लोगों को मेनू का ऑप्शन दिखाई देगा। थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे हाइड एप्लीकेशन का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पे आके पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो एप्लीकेशन चाहो यहाँ पे प्लस में टैप करके वही सारे एप्लीकेशन को आप बहुत आसानी से हाइड कर पाओगे। होम स्क्रीन में लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे, जीरो स्क्रीन खुल के आता है। ये बहुत सारे लोगों को इरिटेटेड करता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एड दिखाता रहता है। इसको बंद करने के लिए फिर से यहाँ पे मेनू में आना पड़ेगा और उसके बाद आधार सेटिंग के अंदर जीरो स्क्रीन को ऑफ कर दीजिए। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूं, ये जो जीरो स्क्रीन है ना, ये गायब हो चुका है। जीरो स्क्रीन आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। यहां पे फ्रीजर का एक ऑप्शन देखने को मिलता है। ऐड में टैप करने के बाद कोई भी एप्लीकेशन को फ्रिज में डाल सकते हो। मैं यहां पे मैसेंजर को ऐड करता हूं। यहां पे देख लीजिए दो मैं एप्लीकेशन ऐड करके रखा हूं, एक फेसबुक, दूसरा है मैसेंजर। ये जो दो एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड में रन नहीं करेगा, नहीं तो स्टोरेज स्पेस खाएगा और नहीं तो इंटरनेट एक्सेस कर पाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, टोटली फ्रीज हो जाएगा। इस फोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर स्क्रीन रिफ्रेश रेट दिखाई देगा, यहाँ पे आके 90 हर्ट्ज सिलेक्ट कर देना, थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है यूज करने में। यहाँ पे डार्क मोड भी देखने को मिलता है। डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर डार्क थीम दिखाई देगा, यहाँ पे आके डार्क थीम को इनेबल कर सकते हो और ये बिल्कुल डार्क हो जाता है। ये जो डार्क मोड है ना, इसको आप शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको डार्क मोड चाहिए। डार्क मोड के थोड़ा ही नीचे यहाँ पे आई केयर देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर देना, डिस्प्ले का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। इसको मैं ज्यादातर रातों में यूज करता हूं। अगर आप इसको रातों में यूज करोगे आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। यहां पे जाके इसको भी आप शेड्यूल में लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको आई केयर चाहिए। और यहां पे जो ब्राइटनेस है ना, आई केयर का जो ब्राइटनेस है, इसको आप यहां पे देख लीजिए, ज्यादा या कम भी आपके हिसाब से आप कर सकते हो। जब मैं इंटरनेट चला रहा हूं, यहां पे देख लीजिए इंटरनेट स्पीड मीटर दिखाई दे रहा है। इसको इनेबल करने के लिए डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ यहां पे स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड, इसको इनेबल कर देना, यहाँ पे इंटरनेट स्पीड मीटर दिखाई देगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में यहाँ पे देख लीजिए, मेरे तरह नाम लिखना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। उसके लिए फिर से आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ लॉक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे ऐड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, यहाँ पे मैं सुमन लिख के रखा हूँ, आपके हिसाब से कुछ भी लिख देना, जो भी लिखोगे वो लॉक स्क्रीन में दिखाई देगा। इस फोन के लॉक स्क्रीन में हर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता रहता है और ये बहुत सारे लोगों को इरिटेटेड भी करता है। अगर आपको इसको बंद करना है, लॉक स्क्रीन के अंदर ही नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन दिखाई देगा, यहाँ पे आके डोंट शो लॉक स्क्रीन कर देना, लॉक स्क्रीन में कोई भी नोटिफिकेशन दिखाई नहीं देगा। इस फोन में गूगल डायलर नहीं है, इसके वजह से कोई भी कॉल को रिकॉर्ड कर पाओगे दूसरे पर्सन सुन नहीं पाएगा। उसके लिए डायलर के अंदर सेटिंग के अंदर यहाँ पे इनेबल ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, इसको इनेबल करके जरूर रखना। फ्लैश फॉर कॉल्स, इसको इनेबल करके रखना, इनकमिंग जो भी कॉल आएगा बैक साइड में जो फ्लैश लाइट है वो ब्लिंक अप होता रहेगा। डायलर के अंदर सेटिंग में यहाँ पे देख लीजिए एडवांस सेटिंग दिखाई देगा, इसके अंदर देख लीजिए आंसर कॉल विद फिंगरप्रिंट, कोई भी इनकमिंग कॉल आ रहा है फिंगरप्रिंट के मदद से आप आंसर भी दे सकते हो। रिकॉर्ड कॉल यूजिंग फिंगरप्रिंट, इसको भी इनेबल करके रखना, फिंगरप्रिंट में टैप करोगे जब आप किसी से बात कर रहे हो अचानक कॉल रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देगा अगर आप फिंगरप्रिंट में हाथ दोगे तो। इस फोन में पिक प्रूफ देखने को मिलता है, इसको इनेबल करके रखना। अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में फोन को यूज करना चाहते हो, आप चाहते हो जिस पोर्शन में आप देख रहे हो उसी पोर्शन में सिर्फ हाईलाइट रहे बाकी सारे डार्क हो जाए, तो पिक प्रूफ इनेबल करके रखना, आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल फीचर्स है। यहाँ पे एग्जिट में दबाओगे
दबाओगे तो बंद हो जाएगा। थेफ्ट अलर्ट का एक ऑप्शन दिया गया है, इसको इनेबल करोगे पब्लिक प्लेस में अगर आप चार्ज में लगाते हो या कोई भी जगह में आप चार्ज में लगाते हो ना, जब चार्जर से फोन को डिस्कनेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। इस फोन के वाईफाई के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है। वाईफाई परफॉर्मेंस के अंदर यहाँ पे देख लीजिए ऑटो स्विच टू मोबाइल डाटा, इसको इनेबल करके रखना। अगर वाईफाई का स्पीड स्लो है ऑटोमेटिकली मोबाइल डाटा में इंटरनेट स्विच हो जाएगा। आस्क बिफोर स्विच, स्विच होने के लिए अगर आपसे परमिशन चाहिए तो इसको इनेबल करके जरूर रखना। टर्न ऑन वाईफाई ऑटोमेटिकली, इसको इनेबल कर देना। अगर आपके घर में वाईफाई है, आप कहीं भी बाहर गए थे, जब आप घर के आसपास आओगे ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल के साथ वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। ओपन नेटवर्क नोटिफिकेशन, इसको इनेबल करके रखना। पब्लिक प्लेस में अगर हाई स्पीड इंटरनेट रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन भेजेगा। इस फोन में कोई भी एप्लीकेशन को पासवर्ड और फिंगरप्रिंट के मदद से लॉक कर पाओगे। उसके लिए सिक्योरिटी के अंदर ऐप लॉक के अंदर आना पड़ेगा। यहाँ पे पासवर्ड वगैरह सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कोई भी एप्लीकेशन को फिंगरप्रिंट पासवर्ड के मदद से लॉक कर पाओगे। सिक्योरिटी के अंदर ही फाइंड माई डिवाइस देखने को मिलता है। यहाँ पे जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जाने के बाद आपके फोन में जो ईमेल आईडी है वो देकर साइन इन करके रख देना। अगर आपके फोन गुम हो जाता है, इस वेबसाइट में जाके उस ईमेल आईडी के जरिए आपके फोन को बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। अगर आप कोई भी बच्चे को फोन दे रहे हो, सेटिंग के अंदर यहाँ पे किट मोड है, यहाँ पे एंटर करके देना। यहाँ पे जो सारे एप्लीकेशन को परमिशन दोगे, बच्चे सिर्फ वही सारे एप्लीकेशन यूज कर पाएगा, बाकी अदर्स कोई भी एप्लीकेशन यूज नहीं कर पाएगा। इस फोन में सोशल टर्बो का फीचर्स दिया गया है। स्पेशल फंक्शन के अंदर सोशल टर्बो दिखाई देगा। एक्चुअली सोशल टर्बो व्हाट्सएप रिलेटेड फीचर्स है, उसके लिए यहाँ पे इंस्टॉल व्हाट्सएप बता रहा है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ व्हाट्सएप में क्या क्या फीचर्स है। वॉइस चेंजर, व्हाट्सएप में किसी से अगर बात कर रहे हो ना तो वॉइस चेंज करके आप बात कर सकते हो। वॉइस रिकॉर्डर, जब आप व्हाट्सएप में किसी से बात कर रहे हो उस वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। पीक मोड दिया गया है, मान लो व्हाट्सएप में किसी से आप बात कर रहे हो, दूसरे पर्सन कई बार मैसेज डिलीट कर देता है, लेकिन पीक मोड को इनेबल करके रखोगे डिलीट मैसेज आप पढ़ पाओगे। फ्लैश लाइट नोटिफिकेशन, इसको इनेबल कर देना। व्हाट्सएप में जब भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा ये जो फ्लैश लाइट है ये ब्लिंक अप करना शुरू कर देगा। व्हाट्सएप स्टेटस देखने को मिलता है, ये जो व्हाट्सएप स्टेटस है इसको 15 डेज तक एक्सटेंड भी कर सकते हो बहुत आसानी से। स्पेशल फंक्शन के अंदर एक्स क्लोन भी देखने को मिलता है। यहाँ पे सोशल मीडिया एप्लीकेशन को डुअल ऐप में कन्वर्ट भी बहुत आसानी से कर पाओगे। स्पेशल फंक्शन के अंदर मेम फ्यूजन के अंदर आओगे, यहाँ पे रैम को बढ़ा सकते हो। सेट वर्चुअल रैम 1 GB तक है, आप यहाँ पे 3 GB कर देना, 7 GB का रैम हो जाएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं जो रैम है वो 4 GB है, सिर्फ दिखाने के लिए 3 GB एक्स्ट्रा है, अदर्स कोई भी यहाँ पे फीचर्स नहीं है। स्पेशल फंक्शन के अंदर एक्शन एंड जेस्चर्स के अंदर आओगे, यहाँ पे टैपिंग वाइक दिखाई देगा। होम स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाएगा, लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइक अप हो जाएगा। फ्लिप टू म्यूट, कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है फोन को पलट दीजिए ऑटोमेटिकली कॉल म्यूट हो जाएगा। टेक स्क्रीनशॉट थ्री फिंगर से आप बहुत आसानी से स्क्रीनशॉट भी ले पाओगे। एंसर कॉल विद जेस्चर्स, कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है ना, इस दो उंगली को 20 सेंटीमीटर के दूर में रखिए, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है। सिस्टम नेविगेशन के अंदर चले आना, यहाँ पे जेस्चर्स नेविगेशन दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना, बटन गायब हो जाएगा, जेस्चर्स इनेबल हो जाएगा। स्वाइप करोगे तो होम स्क्रीन में चले जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे रिसेंट मेनू में आओगे, इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा और इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी बैक होगा। सिस्टम नेविगेशन के अंदर ये जो मोर सेटिंग है ना, इसके अंदर आओगे, ये जो बैक बटन इस साइड में है इसको आप इस साइड में भी बहुत आसानी से इसको सिलेक्ट करके लेकर आ सकते हो। देखिए आ गया है, लेकिन मुझे इस साइड में बैक बटन बहुत पसंद है। इस फोन में फोकस मोड देखने को मिलता है। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में फोकस मोड है, इसके ऊपर टैप करोगे फोकस मोड के अंदर चले आओगे, यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा। मैं किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड को इनेबल करके दिखाता हूँ। यूट्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ और टर्न ऑन कर देता हूँ। जब किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर फोकस मोड इनेबल करोगे ना, वो एप्लीकेशन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, नहीं तो इस एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन आएगा और नहीं तो इस एप्लीकेशन को आप यूज कर पाओगे। इसको बंद करने के लिए फिर से आपको फोकस मोड के अंदर जाना पड़ेगा, इसको अनचेक करना है, ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। अभी आप यूट्यूब को बहुत आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हो। इस फोन के नोटिफिकेशन ड्रॉयर में वन हैंड मोड भी देखने को मिलता है। फोन का जो डिस्प्ले का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, अगर आप एक हाथों से फोन को इस्तेमाल करना चाहते हो यहाँ पे आके वन हैंड मोड को इनेबल भी कर सकते हो। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर्स है, टैप करके रखना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर चले जाओगे। यहाँ पे साउंड आप साइलेंट या वॉइस के साथ रिकॉर्ड करना चाहते हो वो भी दिया गया है। पिक्चर क्वालिटी हाई तक लेकर जा सकते हो। रिकॉर्ड स्क्रीन क्लिक पोजीशन, इसको इनेबल कर देना। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के टाइम में जहां जहां पे टच करोगे सब कुछ आप लोगों को दिखाई देगा। ये था इन्फिनिक्स हॉट 12 का कुछ हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में, तब तक मचाते रहो।